द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायबरेली। गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता भी अब रायबरेली में मेहनत करने के लिए उतर पड़े हैं। रायबरेली में गुजरात की महिला टीम घर घर जाकर भाजपा का प्रचार प्रसार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात महिला टीम के करीब दर्जन भर महिलाएं शहर में घूमकर भाजपा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। यह महिलाएं आज इंदिरानगर के क्षेत्र में घर घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं और गुजरात में जिस तरह से विकास हुआ है उसका हवाला दे रही हैं। गुजरात से आए नैना वंसानी ने बताया कि वह रायबरेली में लोगों को यह बता रही हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद ही प्रदेश का विकास और भी तेजी से होगा, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं में जागरूकता और उनके अधिकार के प्रति भाजपा ही काम करेगी। टीम के साथ मार्गदर्शन के लिए जिला प्रभारी रूपमाला तिवारी और मंडल प्रभारी आकांक्षा शुक्ला साथ में घूम रही हैं। यह टीम घरों में जाकर महिलाओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से बबीता वर्मा की रिपोर्ट। क्या बच्चे आप लोग आज किन चीजों का दिन कर रही हैं? और अभी मैं इंदिरानगर। क्या पर्ची आपको? रूपमाला तिवारी, सदर प्रभारी। मैम, क्या हो रहा है आज, क्या कार्यक्रम चल रहा है? हम लोग डोर टू डोर यही भाजपा का जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या पर्चा है और आप कहाँ से आई हुई हैं? हम गुजरात से आई हुए, सुनावा रहे इसलिए प्रसार के लिए आई हूँ। मेरा नाम नैना बेन संघाणी है। क्या पर्चा है आपका? हम ये महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष हैं, विधु सिंह। आज आप लोग किन चीज़ों का जनसंपर्क कर रही हैं? आज हम लोग संपर्क कर रहे हैं योगी मोदी जी के लिए, संपर्क कर रहे हैं कि वोट उन्हीं को देना, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं और प्लस उसके बाद लाभार्थी कि उनके योजनाओं से किन किन को लाभ मिला, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे। उधर इंटीरियर में गए थे, बीबियापुर, कप्तानपुरवा, फिर इधर इंदिरा नगर आए जनसंपर्क करने के लिए। क्या परिचय है आपका? मैं चायबेन भुआ हूँ, गुजरात में सूरत जिला में से आ रही हूँ और मैं वहाँ की उप महापौर हूँ और यहाँ से गुजरात से हम सभी बहनों यहाँ पे आई है और अलग अलग जगह पे विधानसभा के जो काम प्रचार के लिए आई है सभी जगह सब गए हैं और यहाँ पे जब हमने जो काम भी सोचा, काम दिया है, वो काम ऐसा दिया है कि जब लाभार्थी है, लाभार्थी को मिलना है, लाभार्थी को बिजली मिली है, उसको पानी मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं। और जब कोरोना समय था तो कोरोना के समय में सबको टीका लगाया कि नहीं लगाया, ये भी हमें सबके लाभार्थी के पास जाके इसको पूछना है। हमें यही भी काम है। और डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।